करवा चौथ के दिन नज़दीक आ रहे हैं और हर महिला चाहती है कि वह इस दिन बहुत ही खूबसूरत नज़र आए, लेकिन इसके लिए आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें तो आपका चेहरा चांद की तरह चमकने लगेगा। आज हम आपको कुछ घरेलू फेस पैक के बारे में बताएंगे। इसके लिए चावल का आटा और चंदन का फेस पैक कैसे बनाएं, आइए बताते हैं। चावल के आटे को आप स्क्रब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एक बड़ा चम्मच चावल का आटा और इसमें 2 से 3 बूंदे चंदन के तेल की या पाउडर मिलाकर 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 5 मिनट तक मसाज करने के बाद 5 से 10 मिनट तक सूखने दें, फिर इसको धो लें। दूसरा है चंदन फेस पैक। चंदन के तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी और जीवाणुरोधी गुण होते हैं, यह पिगमेंटेशन को दूर करता है। इसके अलावा चेहरे पर मुहासे हैं तो उससे भी छुटकारा दिलाता है। चंदन 2-3 बूंदों को बादाम के तेल और 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर इसे चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट बाद चेहरा धो लें। ओटमील हल्दी और चंदन फेस पैक। चेहरे पर ओटमील लगाने से स्किन की डेड सेल्स निकल जाती हैं और स्किन पर बेदाग निखार आता है। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो 1 बड़ा चम्मच उबला हुआ ओट्स, चंदन का तेल, 1 चुटकी हल्दी और गुलाब जल को मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। 5 मिनट तक त्वचा को मालिश करें, फिर इसे सूखने दें, फिर चेहरा धो लें। ये जो फेस पैक है उनके यूज से चेहरे पर बहुत ही अच्छा निखार आता है। अगर आप अपने चेहरे पर निखार लाना चाहती हैं तो इन फेस पैक का इस्तेमाल करिए। करवा चौथ के दिन आपका चेहरा निखर कर सामने आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।